દેશમાં અનુપમ મંડળ દ્વારા જૈન સમાજની ધાર્મિક લાગણી દુભાય એવા કરવામાં આવેલા દુષ્પ્રચારના વિરોધમાં બારડોલીમાં શકલ જૈન સમાજ દ્વારા પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી દુષ્પ્રચાર કરનાર એવા ઇસમ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। બારડોલીના તેરાપંથ સમાજ, દિગંબર જૈન સમાજ અને વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ સહિતના 8 જૈન સંઘોએ પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી અનુપમ મંડળ હેઠળ જૈન ધર્મ વિરુદ્ધ દુષ્પ્રચાર કરનાર એવા મુકા રામ નામના ઇસમ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી। મારું નામ પ્રેમસિંહ બુરડ। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर राजस्थान में एक अनुपमंडल संगठन है जो लगभग 100 सालों से जैन समाज के विरोध में कई मनगढ़ंत बातें कह करके और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और उन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं और भोले वाले लोग हैं गांव में। इन्होंने लगभग 50 लाख अपने सदस्य बना लिए हैं। अब इनकी बातें देखो आप, ये कहते हैं कि जैन समाज वाले कोरोना लाए हैं और जैन समाज वाले ही प्राकृतिक और मानव निर्मित जितने भी प्रकोप होते हैं वो सब जैन समाज वाले करते हैं, और वो भी कैसे करते हैं जैन समाज वाले कि ट्रायंगल है जो सेंटर में, उसमें 1000 फीट नीचे से ये अपनी काला जादू लगा करके राक्षसी विद्या के द्वारा ये सब उपद्रव करते हैं, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है। और सारा देश, सारे देश के जैन और विदेशों में रहने वाले जैन, उन लोगों ने अनुपमंडल के खिलाफ एक मोर्चा खोला है, क्योंकि ये इतने नीचे स्तर पर गिर गए हैं कि इन्होंने लगभग जैनियों के 500 साधुओं को हत्याएं करवा दी एक्सीडेंट करवा करके। आज बॉम्बे में, पूरे देश के अंदर जगह जगह इनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से, गुजरात सरकार से, राजस्थान सरकार से, कि इन लोगों की जो ये दिमाग से भ्रमित हैं और जो ये पागल और मूर्ख हैं, इन लोगों के खिलाफ अविलंब संवैधानिक कार्रवाई की जाए, और जैन समाज के विरोध में जो विद्रोह कर रहे हैं इनकी दिमाग ठिकाने किया जाए। अन्यथा जैन समाज एक शांतिप्रिय समाज है, अहिंसक समाज है, समतावादी समाज है, सब कुछ अच्छे गुण वाला समाज है और देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाला समाज है। इनको छेड़ने से, इनकी अहिंसा के ऊपर कुठाराघात करने से, इनके सज्जनता और समानता के प्रति कुठाराघात करने से नहीं चलेगा। हम सब देश के जैन एक हैं और इसके विरोध में पूरी ताकत लगा करके अनुपमंडल की जो कारनामे हैं इनको समाप्त कराएंगे, और गवर्नमेंट से बार बार निवेदन करते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार से, और सारे देश के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करते हैं कि इनके खिलाफ CBI जाँच करवाया जाए, इनके खिलाफ जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो की जाए, और ये अपने कारनामे बंद करें।